प्यारे बच्चों, मैं आरके गुप्ता। आज हम लोग संधारित चैप्टर का पार्ट टू वीडियो का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले पार्ट वन वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि धारिता क्या है और धारिता किसे कहते हैं, धारिता के मात्रक क्या हैं, धारिता के अन्य मात्रक क्या हैं। और इस पर पढ़ा था हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र निकाला था, सी बराबर 4πε0 ए। और अंत में पढ़ा था हम लोगों ने आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, यू बराबर 12qb। अन्य रूप थे 12cv² और 12q² / c। अब हम चलते हैं, आज न्यूमेरिकल टॉपिक है बच्चों। तो न्यूमेरिकल टॉपिक ये है, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेश का पुनः वितरण। ठीक है, दो चालक हम चित्र में देख रहे हैं कि दो चालक हैं, जिसमें एक ये चालक है, दूसरा चालक ये। इस चालक की धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। इसका विभव, इसको हमने आवेश Q1 दिया है, जिससे उसके विभव में वृद्धि V1 हुई है। इसको हमने आवेश Q2 दिया, इसके विभव में वृद्धि V2 हुई है। तो आप जान लो पहले बच्चों कि अब पहले क्या था, इसमें दो पार्ट समझना है कि हमने जो तार कनेक्ट किया, अभी फिलहाल हमने तार कनेक्ट नहीं किया है। तो जब तार कनेक्ट नहीं किया तो उस कंडीशन में इस तरह से एक चालक ये, एक चालक ये, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। इसको हमने आवेश दिया Q1, जिससे इसके विभव में वृद्धि हुई B1। इसको आवेश दिया Q2, जिससे इसके विभव में वृद्धि कितनी, B2। ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। तो जहाँ हमने लिखा प्रारंभिक का मतलब है इन दोनों को हमने किसी तार से कनेक्ट नहीं किया है, ध्यान दीजिए। ठीक, कनेक्ट करने के बाद होगा अंतिम। तो जैसा कि आप पहले देख रहे हैं पहला पार्ट कि प्रत्येक चालक पर प्रारंभिक आवेश, इस पर आवेश कितना, क्यू बराबर कौन से रमन, सी बी रमन। तो इस पर आवेश हो गया क्यू वन बराबर C1 V1 और इस पर Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, ध्यान दीजिए Q1 प्रारंभिक। अब प्रत्येक चालक की ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, हम बढ़ चुके हैं चालक की ऊर्जा, 12qb ½cv² ½q² / c। तो अब इसकी धारिता C1 है और वह B1 है, तो 1/2 C1 V1² और U2 1/2 C2 V2² ओके। ये है प्रत्येक चालक की प्रारंभिक ऊर्जा। अब आता है थर्ड पार्ट के साथ, प्रारंभिक कुल ऊर्जा कितनी, सिंपल दोनों को ऐड कर दीजिए। तो UI, तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक कुल ऊर्जा, ये UF लिखा हुआ है, ये करेक्शन कर लेना, मैंने गोला बनाया वहाँ पर UI फॉर इनिशियल। ठीक है, UI बराबर कितना, U1 + U2, दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल। तो दोनों को जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये निकल के आ गया, तो यह है प्रारंभिक कुल ऊर्जा। ओके, ये सारा काम यहाँ तक हमारा प्रारंभिक था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे कि हम देख रहे हैं दो चालक थे, अब हमने इस चालक को किसी चालक तार से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही चालक तार से कनेक्ट करेंगे अब क्या होगा, आवेश का पुनर्वितरण होगा, आवेश यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। और जब ट्रांसफ़र होगा कब तक होगा, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। अभी विभव इसका B1 B2 अलग थे, जैसे ही तार को, जैसे चालकों को, दोनों को चालक तार से कनेक्ट कर देंगे, उन दोनों का विभव समान हो जाएगा। इस दोनों के जो समान विभव को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं बच्चों। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव कब होता है, जब दोनों चालकों को आप चालक दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे समझने का प्रयास करो आप, जैसे हमने कहा कि एक बर्तन है, इसमें हमारे पास 5 लीटर पानी है, दूसरे मान लो 2 लीटर पानी है। ठीक है, और अभी इससे 5 लीटर, इसमें 2 लीटर अलग अलग पानी है। ठीक, जैसे ही हमने एक पाइप से दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब आप समझ चुके होंगे कि 5 लीटर वाला पानी कहाँ जाएगा, 2 लीटर में। कब तक, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। अब आप देखेंगे, हो सकता है इसमें 3 लीटर, अब भाई 5 लीटर, इसमें 2 लीटर, 7 लीटर हुआ, तो दोनों में बराबर बराबर यानी कि 3.5 लीटर दोनों में पानी आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका पानी घट जाएगा, इसका पानी बढ़ जाएगा। तो जब दोनों में बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। ठीक है, इतना समझिए। तो आप समझ चुके हैं फोर्थ पॉइंट को, सारे न्यूमेरिकल टॉपिक है। चालकों को किसी चालक तार से जोड़ने पर उसमें आवेशों का पुनर्वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और दोनों चालकों पर विभव समान हो जाएगा, जिसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो आप समझ चुके हैं उभयनिष्ठ विभव कब होता है, जब दोनों चालकों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इधर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साहब, अब आता है
अब हम चालक को जोड़ चुके हैं, अब सारा काम अंतिम होगा। जोड़ने से पहले प्रारंभिक, 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 अब क्या होगा? अंतिम, अंतिम आवेश। अब आप जान चुके हैं जोड़ने के बाद दोनों पर विभव समान हो गया, आवेश जोड़ने के बाद पहले चालक पर हमने आवेश मान लिया Q1 डैश, डैश कहेंगे, और Q1 क्या था? प्रारंभिक आवेश था जोड़ने से पहले। Q बराबर सी बी, धारिता उसकी सी वन और विभव कितना? बी, तो Q1 डैश बराबर सी वन बी, और Q2 डैश बराबर कितना बच्चों? C2 बी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर दिखा हुआ सब कुछ, दोनों का डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे क्या प्राप्त होगा? Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2। इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? न्यूमेरिकल टॉपिक बन चुका है कि दो चालकों को किसी चालक तार से जोड़ने पर उन पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, एक यहाँ पर न्यूमेरिकल पॉइंट बन चुका है। अब मान लो क्वेश्चन इस तरह से है, दो चालक जिनकी धारिताओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है साहब, जब दोनों चालकों को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है तब उन पर आवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तुमने अभी पढ़ा है जो अनुपात होता धारिताओं का वही अनुपात होता आवेशों का, तो इसका आंसर क्या होगा? Q1 बटे Q1 अनुपात Q2 बराबर 3:4, दोनों सेम रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक क्या है? यहाँ तक फिफ्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक हमने टॉपिक दिया, क्वेश्चन दे दिया, देखो वही क्वेश्चन है, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। अब आते हैं हम लोग सिक्स पॉइंट पर। प्रत्येक चालक की अंतिम ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा मतलब यानी कि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा, अंतिम मतलब जोड़ने के बाद, U1 बराबर U1 डैश करिए, अंतिम में सब में डैश लगा दिया, 1/2 CB स्क्वायर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब C के स्थान पर क्या होगा? C1, दोनों का विभव समान है तो B रहेगा केवल। U2 डैश बराबर कितना? 1/2 C2B स्क्वायर, जैसे कि आप चित्र में उस पर देख रहे हैं, ये लो। ठीक, अंत। अब इसके बाद सेवेंथ पॉइंट, अंतिम कुल ऊर्जा UF फॉर फाइनल, U1 डैश प्लस U2 डैश दोनों को जोड़ दीजिए, ये कहलाएगी अंतिम कुल ऊर्जा। इसके बाद एक पॉइंट आता है ऊर्जा हानि। देखिए साहब, हानि हो रही है इसमें, नुकसान हो रहा है। नुकसान तब होता है जब फाइनल कम हो इनिशियल ज़्यादा हो, और लाभ कब होता है? जब फाइनल ज़्यादा हो और इनिशियल कम हो। तो ऊर्जा हानि Δu बराबर क्या हुआ? UI - UF। UI हम निकाल चुके जवाला है, और UF जो है दोनों का अंतर कर लीजिए, डिफरेंस घटा दीजिए, अंतर नहीं घटा दीजिए, तो जो निकल के आएगा वो कहलाएगा ऊर्जा हानि। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 पर पहुँचते हैं। Δu का मान निकाल लिया हम लोगों ने। अब आता है लास्ट पॉइंट, नाइन्थ पार्ट, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि आखिर दो चालकों को जोड़ने के बाद आवेश कितना स्थानांतरित हुआ। स्थानांतरित से मतलब है, हो सकता है C1 चालक से C2 पे आवेश चला जाए, हो सकता है C2 से C1 चला जाए। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? डेल्टा क्यू बराबर Q1 इसको बोलते हैं डिफरेंस, अंतर, Q1 डैश। डिफरेंस का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, मान लो पहले आवेश Q1 था, जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश, अगर जोड़ने के बाद आवेश बढ़ जाता है तो होगा Δq बराबर Q1 डैश माइनस Q1, बड़े में घटा छोटा घटाना है, और अगर बाई दिवे जोड़ने के बाद ये कम हो जाता है और ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या Q1 माइनस Q1 डैश ऐसे निकालेंगे, अथवा Q2 डिफरेंस Q2 डैश किसी से कर लीजिए, दोनों का उत्तर बराबर आएगा। जैसे कि मान लो 5 कूलाम अगर आवेश पहले चालक दूसरे जाता है, तो पहले चालक से 5 जाएगा, दूसरे 5 पहुंचेगा भी तो सही, ठीक है, तो इससे निकालेंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो बच्चों आज इतना हम लोगों ने पढ़ा है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, धारिता का मतलब था किसी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। अगर धारिता से तात्पर्य पूछा जाए तो क्या मतलब हुआ कि किसी चालक के द्वारा कितना आवेश धारण कर सकता, कितना आवेश वो ले सकता है। ठीक है, अब अभी तक हमने यही पढ़ा कि अगर मैंने कहा कोई चालक है, चालक है मान लो, हमने इसको आवेश दिया, जैसे ही आवेश देंगे उसके विभव में क्या होगा? वृद्धि होगी। ये हम लोग पहले पढ़ रहे, शुरू से पढ़ रहे हैं Q समानुपाती भी। अब इसकी तो लिमिट होगी ना। अब मान चलो हमने उसको आवेश दिया, विभव में वृद्धि होगी। अब कुछ देर बाद वो चालक आवेश ले ही नहीं रहा है तो उसके विभव में वृद्धि नहीं होगी। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले वो यही हमें समझना है कि संधारित्र, चैप्टर का भी यही नाम है,
कैपेसिटर या दूसरा नाम इसका कंडेंसर। कंडेंसर आप लोगों ने खूब सुना होगा, पंखे में लगता है, कूलर में लगता है, उसे कंडेंसर बोलते हैं। उसका दूसरा नाम अंग्रेजी में कैपेसिटर भी कहते हैं। तो संधारित्र क्या आप वो समझते हैं? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें चालक की धारिता बिना आकार बढ़ाए बढ़ाई जा सके, संधारित्र कहलाता है। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा है अगर हमारे पास ये चालक है, इसका आकार ये है, तो इसकी धारिता होगी C बराबर 4πε2a, यानी कि चालक की धारिता उसके आकार पर डिपेंड करती है। आकार बढ़ाएंगे धारिता बढ़ती जाएगी, आकार घटाएंगे धारिता घटती जाएगी। लेकिन अब जो संधारित्र क्या है, आकार नहीं बढ़ाएंगे बट उसकी धारिता बढ़ जाएगी, यही एक डिवाइस है, यही एक युक्ति है, ठीक है। तो संधारित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें चालक की धारिता बिना आकार बढ़ाए बढ़ाई जा सके, संधारित्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझाते हैं हम। देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति जिसमें चालक की धारिता बिना आकार बढ़ाए बढ़ाई जा सके, संधारित्र कहलाता है। अब देखना यह है, आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ? भाई हमने आकार बढ़ाया नहीं। आप ऐसे सोचिए, आप अपने आप को एक चालक मान लो साहब, ठीक है, मैं चालक हूँ, मैं चालक हूँ, तो मैं आवेश रूपी भोजन करता हूँ। अब एक आवेश रूपी भोजन हमने शुरू किया तो इसकी एक लिमिट है। मान चलिए हमारी 5 रोटी की भूख है, तो हमने 1 रोटी ली, 2 रोटी ली, 3 रोटी, 4, 5 रोटी के बाद हमें मना करना ही पड़ेगा साहब, अब नहीं खा सकता। क्यों? आकार तो नहीं है, या तो हम बजरंग बली तो है नहीं यहाँ साहब, जैसे हमारे 6 फुट की लंबाई है, हमने अपने फुला लिया, अपने आप को 8 फुट कर लिया। आकार अगर हम बढ़ा सकते हैं तो हम रोटियों की संख्या बढ़ा सकते हैं, धारिता बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति 5 रोटी खाने वाला हो, क्या हम उसे 100 रोटी खिला सकते हैं? नेवर। लेकिन फिजिक्स के अंदर आप देखना, हम उस चालक का आकार नहीं बदलेंगे बट उसकी कैपेसिटेंस यानी धारण करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। यही डिवाइस है, यही युक्ति है। तो किस प्रकार से, अब डिटेल समझाते हैं। ये चालक है साहब, इसको देखिएगा सब लोग, ये चालक हमारे पास है, ये रहा, ठीक। इस चालक को हमने यहाँ से चार्ज किया, ये सिंबल चार्जिंग का होता है, लिखा हुआ चार्जिंग। इसको आवेश दिया, जब आवेश देते हैं तो उसका आवेश होता पॉजिटिव, देख रहे हैं, पॉजिटिव प्लस प्लस प्लस, इसका प्लस आवेश हो गया, यानी हमने पूरे इस चालक को आवेशित कर दिया, फुल कर दिया। और आवेश ले, अब वो आवेश नहीं ले रहा क्योंकि कम्प्लीटली चार्ज हो गया। एक बार मोबाइल फुल चार्ज होने के बाद क्या उसको चार्ज किया सकता है? नहीं। यहाँ इसकी वही कंडीशन हो चुकी है। अब क्या किया मैंने, कहा इसको हमने आवेश दिया, फुल चार्ज कर लिया इस चालक को, अब हमें इसकी धारिता बढ़ानी है, आकार नहीं बढ़ाना है, धारिता बढ़ानी। कैसे? इसके लिए हमने क्या काम किया है कि इसके पास में एक हमने अनावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं है, एक अनावेशित प्लेट रख दी साहब यहाँ पर, ठीक, प्लेट रख दी यहाँ पर। अब क्या होगा, इस पर धन आवेश दिख रहा, तो ऑटोमेटिक अपने आप प्रेरण द्वारा इस दूसरे पास रखी प्लेट पर माइनस आवेश आ जाता ऑटोमेटिक। ये नियम समझना भाई, प्रेरण द्वारा ड्यू टू इंडक्शन। ये धनावेशित प्लेट है, इसके पास में दूसरी अनावेशित प्लेट है, कोई इसमें आवेश नहीं है, प्रेरण द्वारा इसके अंदर की सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है अपने आप। और इधर क्या होगा, साइड में प्लस आवेश बनाता है, प्लस इस साइड में, ठीक। अब तुमने कहा प्लस कहाँ चला गया, लेकिन बाहरी सरफेस की हमने पृथ्वी से अर्थिंग कर दी, जैसे पृथ्वी से अर्थिंग करेंगे ये प्लस वाला चार्ज कहाँ चला जाएगा, जमीन चला जाएगा, जमीन में। अब इस प्लेट पर केवल कैसा आवेश रह गया बच्चों, नेगेटिव रह गया। इस पर आवेश कैसा, धनात्मक। तो देखिए, इस पर आवेश धनात्मक और इस पर आवेश रह गया ऋणात्मक, ठीक है, अर्थिंग कर दिया है। तो अब क्या हुआ, पहले जो पहली प्लेट थी इसका विभव पहले कैसा था, पॉजिटिव। तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, धन आवेश के कारण विभव होता है प्लस, और ऋण के कारण क्या होता है, विभव माइनस। अभी इसका प्लेट का विभव मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक, तो मैं बता रहा था कि अब मान चलिए कि इस पर विभव प्लस है, इस पर कितना माइनस बी टू। अभी विभव इसका बी वन है और इसका विभव कितना, माइनस बी टू। माइनस बी टू क्यों, क्योंकि आवेश पर नेगेटिव है,
पहले विभव बी वन था, प्लेट रखने पर अब विभव कितना हो गया, बी वन माइनस बी टू। इसका मतलब ये विभव घट गया कि बढ़ गया, भाई पहले तो बी वन था, अब हो गया बी वन हाँ बी टू, विभव घट गया। विभव घट गया तो हमने सूत्र पढ़ा सी बराबर क्यू बटे बी, जब विभव घटेगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। हमें विभव घटाना था, विभव घटाने के लिए हमने क्या करना पड़ा, एक इस आवेशित प्लेट के पास अनावेशित प्लेट रख दी। बस यही हमारी युक्ति है, यही डिवाइस है कि आवेशित प्लेट के पास कोई एक अनावेशित और पृथ्वी से संबंधित प्लेट रख दी जाए तो इस पूरे सिस्टम का विभव बी वन से घट करके बी वन माइनस बी टू हो जाता है, यानी विभव घट जाता है और धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग समझ सकते हो सिद्धांत क्या है इसका। संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित तथा पृथ्वी से जुड़ी अन्य प्लेट रख दी जाती है तो विभव कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। अब आप लोग आगे इधर देखेंगे, इधर आ जाइए। तो अब क्या कुछ पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, एक जोड़ा है, जोड़ा क्यों, एक प्लस दूसरा माइनस, जो कि एक दूसरे के समीप हो और जिन पर बराबर विपरीत आवेश हो। संधारित्र की धारिता बता चुका हूँ, रिपीट हो रहा है, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, उनके बीच विभवांतर बी है, तो धारिता सी बराबर क्यू बटे बी होगी। चालक की धारिता का सूत्र होता है क्यू बटे बी, संधारित्र की धारिता सूत्र में क्या हुआ, क्यू बटे बी। मात्रा क्या हो धारिता का, फैराड या कूलम पर वोल्ट। अब एक पॉइंट बन जाता भाई, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। नंबर वन, प्लेटों के बीच की दूरी, दूरी जीवाई दूरी है, दूरी पर डिपेंड करता है, दूरी के व्युत्क्रमान पाती है, इसका मतलब क्या हो गया, दूरी बढ़ाएंगे धारिता क्या होगी, घटेगी। अर्थात दूरी बढ़ने पर धारिता घट जाती है, दूरी बढ़ने धारिता घट जाती है और दूरी घटाने धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा, प्लेटों का क्षेत्रफल, यहाँ एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया डायरेक्ट समान पाती है तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तीसरा लास्ट पॉइंट है, प्लेटों के बीच माध्यम पर, अगर प्लेटों के बीच जो माध्यम है उच्च परावर्तितांक का माध्यम भर देंगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि संधारित्र को धारिता को प्राप्त करने वाला कारक कितने, तीन कारक हैं, एक तो प्लेटों बीच की दूरी, एक प्लेट से क्षेत्रफल और बीच में भरे परावैद्युत का परावैद्युतांक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर 5 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अब एक डेरिवेशन शुरू होता है, तो डेरिवेशन क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुरू होता है। और ध्यान दीजिए, हमारा एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में चलेगा, क्यू बराबर सी वी रमन, यानी सी बराबर क्यू बटे बी। ये संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये। मैं बता चुका हूँ, इस प्लेट को चार्जिंग प्लेट बोलते हैं, चार्ज किया हमने, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरी प्लेट यहाँ पर कैसी है, अनावेशित और पृथ्वी से संबंधित है, इसके अंदर सतह पर माइनस आवेश आ जाता है, अभी पढ़ चुके आप लोग। ठीक, तो अब हमने क्या क्या माना इसके अंदर वो समझिए। ए यहाँ पर प्लेट का क्षेत्रफल है, डी दूरी है, सिग्मा, ध्यान दीजिए इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है, इसे हमने गॉस के प्रमेय में समझाया था, और सिग्मा बराबर सूत्र होता है क्यू बटे ए, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो देखेंगे, और बी, बी यहाँ पर प्लेटों के बीच विभवांतर है। ठीक है, तो अब इस डेरिवेशन का एक मास्टर ट्रिक बताते हैं, मास्टर ट्रिक क्या है उसको समझिएगा। तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा, ई वी सी, ई बी सी। कोई तुमने कहा जी क्या कोड बर्ड आ गया, ई बी सी का मतलब बताता हूँ। इस डेरिवेशन में आपके तीन स्टेप हैं, सबसे पहले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, दूसरा प्लेटों के बीच विभव ज्ञात करना होगा, और तुम जानते हो सी बराबर क्यू बटे बी, जैसे विभव पता हो गया धारिता बराबर सी बराबर क्यू बटे बी। तीन स्टेप में डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट कर देना है, तो देखते हैं आप मेरे साथ चलिए। तो अब यहाँ पे क्या समझना है, पुरानी बात को ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास कोई आवेशित प्लेट है, आवेशित प्लेट है, इसके समीप यहाँ कहीं पर भी, समीप में दूरी काउंट नहीं होती, इसके समीप किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, देखिए तीव्रता फॉर्मूला क्या, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट के, कि क्या इसके बीच भरे परावैद्युतांक का परावैद्युतांक, परावैद्युत का परावैद्युतांक। ठीक है,
ये सूत्र तुम्हें याद करना पड़ेगा, किसी भी आवेशित प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। तो बच्चों ध्यान समझिए, हमें तीन बर्ड बॉय ईबीसी, पहले क्या किया हमने, दोनों प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर, बिंदु हमने पी दिखाई पर, दिखाई पड़ रहा तीव्रता बतानी है, और तीव्रता के बारे में फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, तीव्रता धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। एक बात ध्यान रखना, तीव्रता दिशा होती है, डायरेक्शन तीव्रता की। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये प्लस आवेश, प्लस यहाँ पर प्लस आवेश है और ये माइनस है, तो प्लस के कारण तीव्रता इधर होगी, दूर होगी, ईवन है, और माइनस के कारण तीव्रता माइनस की ओर ई टू है। दोनों तीव्रता जब एक दिशा में होंगी तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, कैसे समझेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है एक्स प्लेट के कारण प्लेटों के बीच बिंदु पी पर तीव्रता सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट के, इधर देखेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर किस तरह से, अब बाई प्लेट अपने पास ये वाली, इसे लिख लो भाई, इसको एक्स प्लेट और इसको बाई प्लेट, नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, बाई प्लेट के कारण बिंदु पी पर तीव्रता सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम वैल्यू होती है, जब दोनों पता कर चुके हैं तो दिशा एक दिशा में है, तो ई वन प्लस ई टू, तो दोनों को जोड़ दिया हमने, ई का मान निकाल लिया। मैं पहले कह चुका हूँ ई बी सी, जब हम प्लेटों के बीच तीव्रता ज्ञात कर चुके हों तो तुरंत अब ई पर टिक कर दीजिए, क्योंकि पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर तरीका क्या है, देखिए भाई बी और ई में एक रिलेशन है, बी बराबर ई डी, ई का मान हम ज्ञात कर चुके समीकरण फर्स्ट, विभवांतर भी ई डी, तो ई का मान रखें, ई का मान कितना बताया था, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, इन टू डी, जैसे देख रहे हो यही तो लिखा है, सेकंड समय सेकंड। लो साहब, दूसरा स्टेप भी हो गया, बी पता हो गया, अब अंतिम स्टेप क्या, सी, सी को निकालना है, और सी बराबर तुम शुरू से पढ़ रहे हो, सी बराबर क्यू बटे बी, तो सी बराबर क्यू बटे बी, क्यू बी का मान रख दिया, जो वाला मान क्या मान है, क्यू डी ऊपर आ पहुँचेगा ए एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू से क्यू कट गया, क्या बचा, ए एप्सिलॉन नॉट के, कहने का मतलब हो गया सी का सूत्र निकला एप्सिलॉन नॉट, इसको कैसे याद करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए के बटे डी, ये सूत्र बन गया। तो समांतर प्लेट संधारित की धारिता का सूत्र हो गया एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। अब यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि समांतर प्लेट संधारित की धारिता को उच्च प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, कि साहब एरिया देखो, दूरी कम हो लेकिन उनके बीच में उच्च परावैद्युतांक का परावैद्युत धारा होना चाहिए, तो इसको आपको समझना है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे देखें, ये सूत्र में प्राप्त कर लिया, यही वहाँ डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब एक पॉइंट बना दिया, जो स्टार पॉइंट बना है, यदि प्लेटों के बीच निर्वात हो, तो इसका मतलब निर्वात होगा तो क्या करना है, इस फॉर्मूले में के का मान कर देना वन और सी को लिखेंगे सी जीरो। सी जीरो क्या होती है, निर्वात में संधारित की धारिता, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला जो वाला क्या बनेगा, सी जीरो बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, के का मान क्या हो जाएगा, वन, जीरो, इतना हो गया। अब यहीं से तुम एक सूत्र बना सकते हो, सी और सी जीरो में रिलेशन निकाल सकते हो, सी बटे सी जीरो, सी का मान क्या था ये वाला, और सी जीरो ये रहा, अगर डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, के, तो यहाँ बचेगा केवल के, तो सूत्र बन गया सी बराबर सी नॉट के हो जाएगा, क्या चुगना कर दो, तो या सी बटे सी बराबर के, यानी सी बराबर हो गया सी नॉट के। ऐसा सूत्र हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आप लोग देख चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित की धारिता का व्यंजक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित की धारिता का व्यंजक निकाल लिया है। इस डेरिवेशन को बच्चों रफ कॉपी पर बार बार करिए, क्योंकि इस पर बेस्ड हम नेक्स्ट डेरिवेशन में क्या बताएंगे, समांतर प्लेट संधारित धारिता का व्यंजक जबकि प्लेटों के बीच में मतलब आंशिक माध्यम भरा हो, टी मोटाई की परावैद्युत प्लेट रखी हुई हो, दूसरा होगा टी मोटाई की धातु की प्लेट रखी हुई हो, तब धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है, लेकिन वो तब ज्ञात होगा जब आप इस डेरिवेशन को अच्छी तरह से 100% सही कर लेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित की धारिता का व्यंजक। तो ये वीडियो में ही समाप्त करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।